देखिए, जीवन में जब भी बात विचारों की आती है तो विचार एक ऐसी चीज है जो मन को कभी भी खाली नहीं रखते, मन कभी खाली रहना ही नहीं चाहता। सही विचार नहीं हो तो व्यर्थ विचार चुपके से आकर व्यक्ति को बेचैन कर देते हैं। ये हमें अतीत की ओर ले जाते हैं और हमारी पुरानी बातों को याद करवा कर हमें उस पर पछतावा पैदा करवाते हैं कि काश हमने वो नहीं किया होता। ये हमें भविष्य की ओर ले जाते हैं जहां तरह तरह की कल्पनाएं, नाकामियों की आशंकाएं, अनहोनी का डर सदैव बना रहता है। इन विचारों में नकारात्मकता होती है, ये हमें डराते हैं, हमारे अंदर अपराध बोध, चिंता जैसे भाव पैदा करते हैं। खाली दिमाग को घेर कर ये हम पर राज करते हैं। इनमें सच्चाई नहीं होती, पर इनमें खोकर हम अपने और अपने मित्रों से सदैव दूर हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही व्यर्थ विचारों के विषय में और आपको बताएंगे कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिनके मस्तिष्क में बहुत ज्यादा विचार आते हैं, उन्हें कौन सी चार बातें हमेशा याद रखनी चाहिए और ये चार बातों से व्यर्थ के विचार अपने आप ही आपके मस्तिष्क में आना बंद कर देंगे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं ऐसी ही चार मुख्य बातों की ओर। और सबसे पहले बात करते हैं उस बात की जो कि आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि जीवन में आपको एक लकीर खींचनी है। वो लकीर किस चीज पे खींचनी है? अपने मस्तिष्क में, कि जो जीवन में पीछे छोड़ दिया, जो जीवन में पीछे हो गया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अब उसमें बदलाव नहीं हो सकता। अगर आपने अच्छा किया है तो उसकी अच्छी यादें आपके मस्तिष्क पे जरूर रहेंगी, लेकिन यह सकारात्मक बात होगी। लेकिन अगर जीवन में कुछ ऐसा बुरा हो गया है जिस पर आपको हमेशा पछतावा रहता है तो उस बात को भूल जाइए, क्योंकि जब आप उसमें कोई बदलाव कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये कहावत है कि अतीत कोई बदल नहीं सकता और जीवन में भविष्य कोई अपने हाथ से बना नहीं सकता। इसीलिए जो जीवन में पीछे छोड़ आए उस पर कभी भी बार बार सोचना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आप अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं। बात कर लेते हैं दूसरी मुख्य बात की ओर जो कि आपको बहुत बहुत शक्ति दिलाएगी। दूसरी बात ये कहती है कि जिस प्रकार से आप भूतकाल को सोचकर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उसी प्रकार से भविष्य की ज्यादा बातें सोचना भी बहुत बहुत गलत है। देखिए, अगर ये सकारात्मक है तो आप इसे मस्तिष्क में लेकर आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी हानि है। क्योंकि जब आप भविष्य की कोई भी बात सोचते हैं, कोई योजना के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए आपने कोई योजना बनाई है जिसमें आप अपने लिए बहुत अच्छे पहलुओं को सोच रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न अपने आप में उसमें भी खड़ा हो जाता है कि अगर जो योजना आप बना रहे हैं उसमें विफल हो गए तो क्या होगा। तो इसीलिए इस पर भय बना रहता है। तो इसीलिए सबसे सटीक ये रहेगा कि भविष्य की योजनाएं मत बनाइए। जीवन में भविष्य के बारे में सोचना बहुत गलत होता है, क्योंकि जब आप भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं तो आपके मस्तिष्क में डर भी बना रहता है कि अगर आपकी वो सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, अगर वो सारे आपके वादे जो आप अपने मन में कर रहे हैं, जो विचार अत्यधिक लेकर आ रहे हैं, उनमें जरा सी भी ठेस पहुंचेगी तो आपका हृदय फिर टूट जाएगा। इसीलिए ज्यादा भविष्य की योजनाओं पर भी बल मत दीजिए। इसीलिए आपको एक बात याद रखनी है कि जीवन में कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, ज्यादा आगे उम्मीदें मत लगाइए, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होती, केवल और केवल आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा हीन हो जाती हैं। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण बात की ओर। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको क्या सिखाती है? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह सिखाती है कि अतीत पर मत सोचिए, भविष्य पर मत सोचिए। आज अभी जो ये क्षण चल रहा है यही आपका अपना है, केवल और केवल यही आपका अपना है। इसीलिए वर्तमान का एक भी क्षण बिल्कुल व्यर्थ मत जाने दीजिए। खुश आज रहना सीखिए, ना कि कल के लिए योजनाबद्ध तरीके से इसको तैयार करें। आज इस पल में आप जिएंगे, इस क्षण में आप जिएंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि वर्तमान में आपको ईश्वर ने वो सब कुछ दिया है जिसकी कामना आप ये कर रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा आगे मिलेगा या इससे बहुत ज्यादा पीछे छोड़ा है। इसीलिए ईश्वर आपको यही सिखाते हैं। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि केवल इस पर ही निर्भर है कि आज जो आप हैं, आज जो आपने कर लिया, आज जो आपने खा लिया, आज जो आपने पहन लिया, केवल और केवल वही आपका है। इसीलिए
हर क्षण में जीना सीखिए। बहुत से लोग इसीलिए परेशान हैं, इस समाज में यदि आप देखें तो बहुत से लोग इसी चीज के लिए परेशान हैं कि कल क्या होगा या कल हमने क्या गलती कर दी। कोई इस पर बात नहीं करना चाहता कि आज आपको ईश्वर ने कितना कुछ दिया है। अगर आप अपने मस्तिष्क में आज एक विचार भी लेकर आ रहे हैं, ये शक्ति भी तो ईश्वर ने आपको दी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सोच भी नहीं सकते, जिन्हें इतनी बुद्धि ईश्वर ने नहीं दी। आप तो फिर भी बहुत धनवान हैं, बहुत सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आप ईश्वर का ध्यान करते हैं। आप इतने समर्थवान हैं कि आप कुछ योजना तो बना सकते हैं। इसीलिए वर्तमान केवल अपना मानिए, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीवन जीते हैं उनका भविष्य भी अच्छा होता है और उन्हें अपने अतीत पर पछतावा भी नहीं होता, क्योंकि वही सही मायने में बुद्धिमान कहलाते हैं। बात कर लेते हैं अगली उस चौथी महत्वपूर्ण बात की ओर, जो कि आपको सदैव अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। देखिए, जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है उसने हर चीज बहुत सटीक तरीके से रखी है। आप जिस धरती पर रहते हैं उस धरती पर अगर आप नजर डालें कि हर चीज ईश्वर ने इतनी सटीक कैसे बनाई है और क्यों बनाई है। ईश्वर ने यह सटीकता इसलिए रखी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड इसलिए रचा है क्योंकि आप और हम श्वास ले सकें, आप और हम इस जीवन का अनुभव कर सकें। इसीलिए इस प्रकृति को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इसीलिए ईश्वर में आस्था अवश्य रखिए। जो भी लोग ईश्वर में आस्था कम रखते हैं या ना बराबर रखते हैं, उन्हें कभी भी इस बात का आभास नहीं होता कि कोई शक्ति आपके जीवन को भी संचालित कर रही है। अगर आप इतने सर्वशक्तिमान हैं तो ये जीवन का जो नियंत्रण है आप अपने हाथ में रख के देखिए। आप एक श्वास भी स्वयं से नहीं ले सकते, आपकी हर एक श्वास पर इस सृष्टि का, इस पूरे चराचर का कोई ना कोई ऋण अवश्य है। इसीलिए ईश्वर पर आस्थावान बनना चाहिए, ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज ईश्वर से होकर गुजर रही है। ईश्वर को आपके क्षण क्षण के बारे में पता है, क्या आपके लिए बहुत अच्छा है, क्या आपके लिए बहुत बुरा है, ये आपसे कहीं ज्यादा परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए जो लोग आस्थावान होते हैं उनके जीवन में सदैव ईश्वर का आशीष बना रहता है, और ईश्वर सदैव आपको यही सिखाते हैं कि आप हमेशा इस जीवन में एक उद्देश्य को लेकर आते हैं, और उस उद्देश्य के साथ साथ आपको ईश्वर को भी ज्ञात करना है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर ने आपको किस उद्देश्य के लिए भेजा है। और ये जीवन ऐसे ही संचालित होता है, क्योंकि आप और हम केवल यहाँ पर एक कठपुतली की तरह जीवन जी रहे हैं। यही ईश्वर की सबसे बड़ी संरचना है कि आप और हम मनुष्य में परिवर्तित हुए हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक, ये थी वो आज की चार मुख्य बातें जो कि बहुत ज्यादा सोचने वाले लोगों को अवश्य पता होनी चाहिए। अगर ये चार बातें आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप पाएंगे कि व्यर्थ के विचारों से कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे, श्री महाराज जी आप सभी को सद्बुद्धि और सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड। इसी के साथ साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे, श्री महाराज जी की कृपा से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।